नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं पूजा। मध्य प्रदेश में मनचलो युवक पर अश्लील कमेंट करना भारी पड़ गया। युवती ने मनचलो की चप्पल से जमकर पिटाई की। मामला छतरपुर के नौ गांव का है। ढाबे में दो युवक खाना खाने आए थे। खाना खाने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो वे आनाकानी करने लगे। ढाबा संचालक की बहन भी उस दौरान काम में हाथ बटा रही थी। वह आई तो बदमाशों ने उस पर भी अश्लील कमेंट किए। ढाबा संचालक ने इसका विरोध किया तो बदमाश मारपीट पर उतारू हो गए। ये देख बहन ने बाहर आकर लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद ढाबा संचालक और पब्लिक ने युवकों को पकड़कर उनकी धुनाई कर दी। इस दौरान महिला ने भी आरोपियों के बाल पकड़कर उन्हें चप्पलों से पीटकर अपना गुस्सा उतारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ा तो उनके पास हथियार भी मिले, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि तहसील ऑफिस के पास स्थित ढाबे में दो लोग पहुंचे थे। ढाबे वाले और युवकों के बीच खाने के रुपए को लेकर विवाद था। युवकों के पास अवैध कट्टा मिलने पर इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक ढाबा व्यस्थित है। यहाँ पे कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति जाके वहाँ पैसे के लेकर व्यस्त कर रहा है। अनिकेत यादव और मलखान को लेकर उनके खिलाफ पुलिस ने आम से क्लियर करा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।